ठीक है, आज हम देखेंगे अपन कुछ पदार्थों के पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। कुछ पदार्थ दिए, जैसे यहाँ केरोसिन दिया, तो केरोसिन का होता है 2.0, ठीक है ना। केरोसिन का जो पराविद्युतांक जो होता है क्या होता है 2.0, है ना। एम्बर का होता है क्या होता है 2.8। अब आपके जो प्लस ग्लिसराल है ना, ग्लिसराल इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पराविद्युतांक क्या होता है, इसका होता है 4.3, ठीक है। कांच का जो होता है, कांच का पराविद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 5.10। इसी प्रकार पानी का देखें तो पानी क्या होता है 80.4, ठीक है। पानी का जो पराविद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है 80.4, और एबोनाइट का भी क्या होता है 2.80 होता है, ठीक है।